दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़े इससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कृषि से जुड़ी ऐसी ही महत्वपूर्ण एवं रोचक जानकारियों के लिए बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें। किसान मित्रों, रासायनिक खादों के अंधाधुंध इस्तेमाल के दुष्परिणाम के रूप में कई बीमारियों ने जन्म लिया है। इसलिए अब काफी किसानों का झुकाव जैविक खेती की तरफ हुआ है। अगर आप भी उनमें से एक हैं तो आज का कृषि पिटारा आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप जैविक खेती करना चाहते हैं तो आपको यह जानना जरूरी है कि सरकार की ओर से आपको किन योजनाओं का लाभ मिल सकता है। जी हाँ, जैविक खेती को प्रमोट करने के लिए केंद्र सरकार इस समय दो योजनाएं चला रही है। इसमें से एक है परंपरागत कृषि विकास योजना, जबकि दूसरी है पूर्वोत्तर क्षेत्र मिशन ऑर्गेनिक वैल्यू चेन डेवलपमेंट। अब बात करते हैं इन योजनाओं के जरिए आपको कितनी आर्थिक मदद मिल सकती है इस बारे में। अगर आप जैविक खेती करना चाहते हैं तो परंपरागत कृषि विकास योजना के तहत आपको मदद मिलेगी। यह मदद 3 साल में प्रति हेक्टेयर 50,000 रुपए के तौर पर होगी। इसमें से किसानों को जैविक खाद, जैविक कीटनाशकों और वर्मी कंपोस्ट आदि खरीदने के लिए 31,000 रुपए मिलते हैं। जबकि मिशन ऑर्गेनिक वैल्यू चेन डेवलपमेंट फॉर नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के तहत किसानों को जैविक खेती के लिए 3 साल में प्रति हेक्टेयर 32,500 रुपए का अनुदान दिया जाता है। किसान मित्रों, अगर आप जैविक खेती कर रहे हैं तो उसका सर्टिफिकेशन बहुत जरूरी है। जी हाँ, आपका जैविक उत्पाद तभी बिकेगा जब आपके पास इसका प्रमाण पत्र होगा कि आपकी फसल वाकई में जैविक है। इसके सर्टिफिकेशन की एक प्रक्रिया होती है। इसके लिए आवेदन करना होता है, फीस देनी होती है। प्रमाण पत्र लेने से पहले मिट्टी, खाद, बीज, बुआई, सिंचाई, कीटनाशक, कटाई, पैकिंग और भंडारण सहित हर कदम पर जैविक सामग्री जरूरी है। अपने उत्पादन के लिए ऑर्गेनिक चीजों का ही इस्तेमाल किया गया है। इसके लिए इस्तेमाल की गई सभी सामग्रियों का आपको रिकॉर्ड रखना होगा। गाजियाबाद स्थित नेशनल सेंटर ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग मुख्य तौर पर सर्टिफिकेशन का काम करता है। ऑर्गेनिक फूड की सैंपलिंग और एनालिसिस के लिए कुछ निजी संस्थाओं को भी काम दिया गया है। आप जैविक खेती के लिए यहाँ से भी सहायता प्राप्त कर सकते हैं। तो किसान मित्रों, ये था आज का कृषि पिटारा। उम्मीद है कि ये कार्यक्रम आपको काफी पसंद आया होगा। आप सुनते रहिए रेडियो पिटारा। मिस्ड कॉल लगाओ, सुनते जाओ।